6 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है FSSAI यानी खाद्य विभाग की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर ये भर्ती चलने वाली है। आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। FSSAI रिक्रूटमेंट 2022 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो खाद्य विभाग की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर नई वैकेंसी निकाली गई है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आपको यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है फूड सेफ्टी ऑफिसर प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। और अगर आप सिंपल 10वीं-12वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की जो सबसे बड़ी बात होगी, आपको जो अपना आवेदन फिल करना होगा केवल ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। जिस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर ये भर्ती चलने वाली है। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर 9 प्रकार की वैकेंसी दी गई है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पहली वैकेंसी होगी एडवाइजर, डायरेक्टर, मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पर्सनल सेक्रेटरी और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारतीय किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। लेकिन जो आपको सैलरी दी जाएगी 19,900 से लेकर 2,18,200 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल लेगा, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी मिलने वाली है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, UR जनरल OBC के लिए बिल्कुल फ्री होगा और SC ST फीमेल कैंडिडेट में आवा यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे, यानी कि बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपकी एज 18 ईयर से लेकर 50 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। OBC वालों के लिए 18 से 53, SST कैंडिडेट के लिए 18 से 55 जो एज काउंट की जाएगी 1 सितंबर तक की जाएगी, यानी कि 1 सितंबर को आपकी एज नहीं तो 18 से कम हो ने 50 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SST वालों को 5 ईयर दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कुछ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल यहाँ पर कुछ भी नहीं होगी, कोई हाइट, कोई वेट, कोई दौड़ भी आपके यहाँ पर इस भर्ती में नहीं होगी। हिंदी की जानकारी आपको यहाँ पर के लिए आपको यहाँ पर क्लिक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जानकारी होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। इनकी आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है और जो आपके पास फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड भी लाइट कलर का होना अनिवार्य है। जो इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। एक जो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें आपको टाइपिंग भी आपको यहाँ पर कर दिखाना अनिवार्य रहेगा। इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने सिंपल 10वीं-12वीं डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट का लिंक फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन फिल करना होगा। किस प्रकार से फिल करना है उसके लिए, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, तो उस वीडियो के लिए कम से कम अगर इस वीडियो पर
में 300 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। इस बढ़ते फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इंग्लिश में प्रोवाइड किया गया है। आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी दी गई है कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे FSSAI की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यहाँ पर भर्ती चलने वाली है। यहाँ पर जो इनका ऑफिस है उसका यहाँ पर जो एड्रेस है वो भी मेंशन किया गया है। 6 अक्टूबर को यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है कौन सी वैकेंसी के लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर नीचे आना, आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। एक बार आपको आवेदन करने से पहले एक बार रीड करना होगा सभी जानकारी, आपको यहाँ पर रीड करने के बाद आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है। इस भर्ती की जो इंपोर्टेंट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर उसकी जानकारी चेक कर सकते हैं। जो इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट रहेगी 10 अक्टूबर से यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 5 नवंबर तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इस वाले बॉक्स में आपको पोस्ट के नाम बताए गए हैं और क्वालिफिकेशन उसी के सामने यहाँ पर मेंशन की गई है। एक बार आप यहाँ पर पोज करके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी सभी जानकारी ले सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।